बहुत से पौधे दोस्तों हम उनकी खूबसूरत सी पत्तियां देखकर ले आते हैं, घर लाकर खुश भी होते हैं। अगर वो पौधा हमें बहुत टाइम बाद मिला हो, यानी हमारे विश लिस्ट में था और बहुत टाइम बाद हमें मिला, और फिर तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। दुखी जब हो जाते हैं जब वो पौधे घर आकर वैसा नहीं करते हैं जैसा हमें चाहिए, यानी जैसे उनकी ग्रोथ हम चाहते हैं और इमेजिन करके उनको घर में लेकर आते हैं वैसा वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। 5 ऐसे पौधे जिनको मैं खरीद कर बड़े शौक से लाई, लेकिन वो वैसा नहीं कर रहे हैं जैसा मैंने इमेजिन किया था। तो हो सकता है ये पौधे आपके पास बहुत अच्छा कर रहे हों, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हों, लेकिन मेरे घर के एनवायरनमेंट के हिसाब से शायद ये अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या तो इनको मेरी केयर पसंद नहीं आ रही है, या मैं इनकी केयर अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मिट्टी में प्रॉब्लम है, या फिर पानी में प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर एनवायरनमेंट तो है ही जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन पौधों के लिए। तो एक एक आपको पौधा मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम मैं उनमें फेस कर रही हूँ। अगर इनमें से कोई पौधा आपके पास है या आप सोच रहे हैं खरीदने की, तो हो सकता है आपको इस वीडियो से थोड़ी सी कोई ना कोई पॉजिटिव हेल्प जरूर मिले। तो इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पौधा है ये ऑर्किड का पौधा और बहुत अच्छा चल रहा है ये। वैसे देखने में आपको लग रहा होगा कि देखिए ग्रोथ है इसकी, लेकिन जब मैं इसको लेकर आई थी इसमें काफी पत्तियां थी यहाँ पर और काफी अच्छा ये लग रहा था। फ्लावरिंग भी की इस पौधे ने मेरे पास आने के बाद, लेकिन इसकी सीजन होता है स्प्रिंग में ही फ्लावरिंग करता है, उसके बाद फ्लावरिंग नहीं होती है। लेकिन जब से फ्लावरिंग बंद हुई है इसमें ये प्रॉब्लम चल रही है। आप देख रहे होंगे इसकी लीफ जो है पीछे से ब्लैक ऐसे होती जा रही है और ये खराब भी होता जा रहा है। तो सारी लीफ में ही ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मुझे फेस हो रही है। और सारे ही मैं जितने भी हम नॉर्मली अपने प्लांट्स पर स्प्रे करते हैं वो कर चुकी हूँ इस पर, और इसको हर दूसरे दिन अच्छे से कपड़े से भी साफ करती हूँ कि ये जो इस पे प्रॉब्लम है ये इंक्रीज ना हो, बढ़े ना। लेकिन फिर भी ये पौधा उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा है जितनी इसको करनी चाहिए थी। हालांकि मैंने पहले भी एक ऑर्किड अपने गार्डन में ऐड किया था जो कि गर्मी की छुट्टियों में जब हम घूमने जाते हैं तो वो उस वजह से मर गया था, क्योंकि जिसके भरोसे मैंने पानी छोड़ा था वो डेली इसमें पानी डालते रहे, तो उसके कारण वो पौधा खराब हुआ था। लेकिन वो पौधा बहुत अच्छा चल रहा था मेरे पास। उसके बाद मुझे जब ये पौधा मिला तो मैं फटाफट से खरीद कर लाई ये सोचकर कि ये भी अच्छा चलेगा। इसकी कुछ स्टेम्स भी हैं जो येलो होकर सूखना शुरू हो गई हैं, तो ये वाली जो स्टेम है ये मेरे पास आने के बाद इसमें ग्रो हुई है नई, जिसको देखकर मुझे उम्मीद हुई कि शायद ये बच जाएगी। तो इसका पानी का, फर्टिलाइजर का और दवाई जो इस पर लगानी है वो सब मैं इस पर टाइम टू टाइम कर रही हूँ। बाकी पौधों के मुकाबले इन 5 पौधों पर मैं सबसे ज्यादा टाइम लगाती हूँ, लेकिन सारे ही मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, पौधे हैं देखते हैं और इसी से हम सीखते भी हैं। तो नंबर 1 पर दोस्तों ये ऑर्किड। इसके बाद दोस्तों ये वाला फाइकस पोमेलिया, और फाइकस पोमेलिया करीबन 5 महीने से मेरे पास है और इसकी ग्रोथ इतनी ही है। ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे आ रहा है, यानी कि ये ना तो ग्रोथ कर रहा है और ना ही ये डेड कंडीशन में है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कभी कभी इसमें कुछ नई पत्तियां आती हैं तो नीचे की निकल जाती हैं। कंडीशन दोस्तों जो इसको चाहिए वो पूरी मैं इसको देने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये वैसा ग्रो नहीं कर रहा है जैसा इसको करना चाहिए। आपने सुना होगा छिपकली बेल जिसको हम बुलाते हैं, ये उसी की फैमिली से है, दीवार पर चढ़ता है, लेकिन ये वेरीगेटेड है। हो सकता है कि इस वजह से कुछ न कुछ इशू आ रहे हो या मेरे घर के एनवायरमेंट से ये अच्छा ना कर रहा हो, लेकिन इसको ब्राइट लाइट चाहिए, पानी टाइम पर चाहिए, जो कि मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ। ये प्लांट मैंने दोस्तों ऑनलाइन मंगवाया था, वीडियो आपके साथ शेयर किया था। अगर ऑनलाइन मंगवाने के हिसाब से देखूं तो प्रोडक्ट ठीक था, ग्रोथ इसकी अच्छी थी, नीचे से इसकी रूट्स भी काफी अच्छी थी, तो उस हिसाब से ये हो सकता है मेरे एनवायरमेंट में ना डल पाया हो और इसलिए ग्रो ना कर रहा हो। तो ये वाला प्लांट है नंबर 2 पर। और नंबर 3 पर सेम दोस्तों मैंने ये भी ऑनलाइन मंगवाया था, प्रेयर प्लांट प्लांट और नेवर नेवर प्लांट इसको बोलते हैं, कैलेथिया फैमिली से है। हवा में मॉइस्चर ना होने की वजह से ये प्लांट बिल्कुल अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, यानी ह्यूमिडिटी लेवल इसको काफी अच्छा चाहिए, जो कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ स्प्रे करने की और इसका पूरा ध्यान रखने की अपनी तरफ से, लेकिन स्टिल आप देखें इसकी पत्तियां सूख जाती हैं, एक दो नई भी आ जाती है लेकिन नीचे की सूख जाती हैं।
ये वैसा ग्रो नहीं कर रहा है, यानी 5 महीने के हिसाब से इसकी खास ग्रोथ नहीं हुई है। तो नंबर 3 पर ये नेवर नेवर प्लांट है, और अगर आपके एरिया में ये प्लांट काफी अच्छा ग्रो कर रहा है तो मुझे इसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन आपने क्या दे रखी है जरूर शेयर कीजिएगा। अगर ये बारिशों में बच जाता है तो फिर मैं इसके लिए टेरेरियम बनाने की कोशिश करूंगी, ताकि इसमें मॉइस्चर को जो है वो होल्ड किया जा सके और ये अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक ऐसे ही दोस्तों जिसको मॉइस्चर पसंद है वो है फिटूनिया। फिटूनिया मैंने वैसे हाल फिलहाल ही खरीदा है, आप देखिए मैंने इसको बॉक्स ऐसे केक जैसे बना रखा है कि ये रहे। जब से मैंने इसको इस तरीके से कवर किया है तो तब से ये थोड़ा सा हेल्दी मुझे नजर आ रहा है। आप देखिए मैं इसकी फोटो लगा दूंगी, जब इसकी कंडीशन काफी बेकार हो गई थी और मुझे समझ आया कि इसको बहुत ज्यादा मॉइस्चर चाहिए, एयर में मॉइस्चर चाहिए, इसकी मिट्टी में मॉइस्चर चाहे ना हो, यानी कि मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहे, ज्यादा गीली ना रहे, लेकिन इसको एयर में मॉइस्चर चाहिए। हालांकि जब मैंने खरीदा ये काफी तब भी थोड़ी कंडीशन वैसी ही थी, लेकिन वेल ग्रो प्लांट था तो मुझे लगा कि बचा लूंगी मैं इसको। हालांकि मुझे अभी लग रहा है कि मैं इसको बचा लूंगी, क्योंकि इसको जब से मैंने कवर करके रखा है तब से अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन साथ में इसमें मुझे ब्लैक एपिड भी मिले हैं, जैसे पत्तियां खाई हुई लग जाती हैं, हर दूसरे दिन मुझे एक दो पत्ती जो है वो खाई हुई मिलती है, इसमें छेद मिलते हैं उसमें, तो वो ढूंढना मुश्किल है क्योंकि इसकी पत्तियां काफी छोटी हैं और ज्यादा पानी स्प्रे करूंगी तो मिट्टी कीचड़ हो जाएगी। तो हल्का हल्का स्प्रे मैं इस पर दवाई का कर रही हूँ हर 5 दिन में, तो देखते हैं कैसा करता है। लेकिन जब से मैंने इसको ऐसे कवर किया है और इसमें मॉइस्चर जो है लॉक हो जाता है, फिर इसकी पत्तियां जो है वो देखिए ग्रोथ काफी अच्छी शो की है उन्होंने 5 से 6 दिन के अंदर ही, तो मुझे इसका थोड़ा समझ आ गया। लेकिन स्टिल देखते हैं ये कैसा ग्रो करता है। और जहां पर मॉइस्चर काफी अच्छा होता है ना, जैसे जहां पर महाराष्ट्र जैसे इलाके हैं या जो भी समुद्र किनारे वाले इलाके हैं, वहां पर ये प्लांट काफी अच्छा ग्रो करेगा बिना ज्यादा मेहनत के। अगर आप ऐसे कहीं एरिया में रहते तो ये प्लांट जरूर ऐड कीजिए, काफी खूबसूरत प्लांट है, इस तरीके से ये रहता है। तो हालांकि इसकी ब्यूटी जो है वो कवर करने के कारण खत्म हो जाती है, फिर भी अगर ये चल गया तो ब्यूटी के लिए तो हम कुछ अच्छा ढूंढ लेंगे। तो देखते हैं ये कैसे आगे तक सर्वाइव करता है। तो दोस्तों नंबर 5 पर है ये एलोकेशिया एमेजोनिका। वैसे तो ये हार्डी प्लांट है, काफी आप हो सकता है आपके एरिया में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा हो अगर टाइम टू टाइम बारिश होती रहती है या ह्यूमिडिटी अच्छी रहती है। इसको ब्राइट लाइट चाहिए बहुत अच्छी, लेकिन इसको धूप नहीं चाहिए। अगर इसको इंडोर रखते हैं तो ये किसी न किसी भी इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस पर बहुत जल्दी व्हाइट फ्लाइज का और माइट्स का अटैक होता है, स्पाइडर माइट्स का, जिसके कारण बहुत इसकी केयर करनी पड़ती है। और मॉइस्चर नहीं मिलता है इसको एयर में, तो देखिए पत्तियां इसकी सिकुड़ी सिकुड़ी रहती है। इसमें हमेशा 2 पत्तियां ही रहती हैं, जब एक नई लीफ आती है तो पुरानी लीफ इस तरीके से अपने आप डैमेज होकर खराब होना शुरू हो जाती है। तो ये अभी तक फिल नहीं हुआ है, 5-6 महीने से इसमें 2 ही पत्तियां हैं। और अच्छा जैसे भर जाता है गमला, 5-6 पत्तियां एक साथ नई नई आए तो अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक लीफ आती है और एक लीफ चली जाती है फिर दूसरी आती है, तो 2 लीफ ही इसमें मुश्किल से रहती है। जैसे अब ये जाने वाली है, थोड़े दिन में ये और डैमेज हो जाएगी, फिर इसको कट करके निकालना पड़ेगा। यानी जो सोचकर मैं इसको लाई थी वो वाला आउटपुट मुझे इससे नहीं मिला है। लेकिन अगर ये ग्रो भी करता रहा, डेड नहीं हुआ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। अगर 1-2 लीफ भी बीच में आती रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस आती रहे इसमें पत्तियां, ये डेड ना हो, इस चीज का मुझे थोड़ा सा है कि डेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसानी से नहीं मिलते हैं ये प्लांट और जब खराब हो जाते हैं तो थोड़ा दुख तो होता ही है। अगर तो ये सारे ही पौधे रेनी सीजन में अच्छा ग्रो कर जाते हैं, फिर मैं इनको एक ऐसा प्लेस कोशिश करूंगी बनाने की कि इनके आसपास जो ह्यूमिडिटी है वो काफी अच्छी बनी रहे, जिसके कारण ये काफी अच्छा ग्रो करे। तो दोस्तों ये 5 पौधे हैं जो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत मेरे से बाकी प्लांट से ज्यादा करवा रहे हैं, क्योंकि ये ना तो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं ना जा रहे हैं। मतलब एक होता है कि पौधा खराब हो जाए फिर चला जाए तो हम 5-10 दिन में थोड़ा सेटल हो जाते हैं कि चलो भाई देखते हैं नया ले आएंगे, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तब पौधा खराब हो जाता है तो वो समझ में आता है। लेकिन जब पौधा चल भी रहा है लेकिन वैसा नहीं चल रहा है जैसा उसको चलना चाहिए, फिर थोड़ा सा ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे ही कमी रह रही है, या फिर एनवायरनमेंट में वो चीज हम इसको नहीं दे पा रहे हैं जो इसको चाहिए।
तो इनमें से कोई भी प्लांट आपके पास बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने उनको कैसे इन्वायरमेंट कंडीशन और पानी की क्या रिक्वायरमेंट उनकी रहती है वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।